हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं आटे और खसखस दाने की बिस्किट, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे हम एक ही डो से पांच प्रकार की बिस्किट बना के रेडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बताते हैं कि हमें क्या क्या लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में डाला है गेहूँ का आटा। तो हाँ फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गेहूँ का आटा ही यूज करेंगे। तो यहाँ मैं दो कटोरी गेहूँ का आटा डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी एक कटोरी चीनी। तो आपको मेजरमेंट मालूम चल जाएगा कि दो कटोरी हमने डाला है आटा, तो एक कटोरी चीनी का पाउडर, और डाला है खसखस दाना और कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने कद्दूकस करके रखे थे। अब इसमें डालूंगी मैं ऑयल, रिफाइंड ऑयल। तो मैंने यहाँ दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। तो जब मैंने दो कटोरी आटा लिया था तो उसमें दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डाला है। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल इसमें ज़्यादा डलता है, इसलिए इसमें दो चम्मच हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। तो हम इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। तो देखिए, मैंने मिक्स कर दिया है, तो इसमें एक लड्डू टाइप का बनने लगा है। तो समझ लीजिए हमारा जो हमने रिफाइंड ऑयल डाला है वो एकदम परफेक्ट है। तो चलिए हम इसमें दूध डाल के इसको डो के फॉर्म में तैयार करते हैं। हमारा यहाँ पे डो बनके एकदम रेडी हो चुका है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइप की जो हमें पहले तरीके की डिज़ाइनदार बिस्किट बनाने हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे अच्छे से इसको बेल लिया है। तो हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेल रहा है, हम इसको मोटा मोटा ही बेल के तैयार करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे मेरी पूरी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ मैंने कुकीज़ कटर लिया था, तो कुकीज़ कटर की हेल्प से हम यहाँ पे सारी कुकीज कट कर लेंगे। तो सारी कुकीज कट हो चुकी है, उसकी जितना भी एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल के हम अलग कर लेंगे। अब बारी आती है इसमें बहुत ही यूनिक सी डिजाइन देने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने स्पैचुला लिया है, तो मैं इसी की हेल्प से इसमें बहुत सुंदर सा लुक दूंगी। तो देखिए आप, मैं इसमें किस तरीके से स्पैचुला से डिजाइन बनाऊंगी। तो देखिए, इसको मैंने सेंटर पर रखा, हल्का सा मैं इसको प्रेस करूंगी तो इसमें बहुत सुंदर सी डिजाइन आ जाएगी। तो देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। तो देखिए, ये हो चुकी है रेडी। इसी तरीके से मैं सारी बिस्किट बना के रेडी कर लूंगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको डीप फ्राई करना है। तो डीप फ्राई करने के लिए हमें बहुत ही स्लो ऑयल में ही इसको डालना है, एकदम मीडियम फ्लेम रहेगी और उसमें हमें इसको डीप फ्राई करना है, ताकि अगर हम इसको हाई फ्लेम में करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से अच्छे से डीप फ्राई नहीं हो पाएंगे। तो हम इसको उलट पलट करते हुए दोनों तरफ अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इसको डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए, इसका कलर चेंज हो चुका है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे इसमें कितनी सुंदर इसकी डिजाइन आई है डीप फ्राई होने के बाद। तो चलिए, इसको निकाल के झटपट से अलग करते हैं और बनाते हैं हम अपनी दूसरी तरह की बिस्किट। तो यहाँ पे भी मैंने एक मोटी सी पूड़ी बना के रेडी कर ली है, तो इसको हम कट कर लेंगे। तो इसमें भी हम सुंदर सी डिजाइन देंगे। तो यहाँ हमने फॉग लिया है, तो इसकी हेल्प से हम इसमें डिजाइन देंगे। तो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से हम इसमें डिजाइन बना रहे हैं। तो यह एकदम मार्केट की तरह डिजाइन लगती है, आपको घर पे ही बना के रेडी कर लेना है। तो इसको भी हम अब डीप फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम हमेशा स्लो ही रहेगी और स्लो फ्लेम में ही हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए, हम इसको उलट पलट करके झटपट से तल के अलग कर लेते हैं और इसकी डिजाइन भी डीप फ्राई होने के बाद बहुत ही सुंदर आएगी। तो आपको इसकी डिजाइन दिख रही होगी। तो चलिए, ये भी डीप फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसमें काटेंगे स्क्वायर शेप में। तो आपके पास जो भी हो स्क्वायर शेप का, तो मैंने यहाँ एक बॉटल का कैप लिया हुआ है, तो इससे हम इसमें स्क्वायर शेप से कट कर लेंगे बिस्किट को। और ये अंदर से भी बहुत ही सॉफ्ट एवं डिलीशियस लगने वाली बिस्किट होती है। तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छी लगेगी। तो चलिए, हमारा स्क्वायर शेप हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे कुकीज़ कटर लिया है, उससे मैं इसमें चारों तरफ थोड़ा थोड़ा सा डिज़ाइन बना दूंगी।
तो जो भी मैंने यहाँ डिजाइन बनाई है सब बहुत ही इजी और यूनिक डिजाइन है, तो आप इस तरीके से अपनी कुकीज में डिजाइन बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह मैंने चारों तरफ इसमें कुकीज कटर से हल्का हल्का प्रेस करके इसमें चारों तरफ डिजाइन बना दी है। तो इसी तरीके से मैं तीनों तैयार करके इसको अब डीप फ्राई करूंगी। तो ये भी हमारा डीप फ्राई होके रेडी हो गया है, इसका भी कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमें डीप फ्राई करते समय इसको सॉफ्ट सॉफ्ट तरीके से ही उलट पुलट करना है, क्योंकि ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट होता है तो टूटने का डर रहता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट डिज़ाइन बनाते हैं। तो इसको भी हमने कट कर लिया है और इसमें भी हम फॉक की हेल्प से, तो इसमें हमें क्या करना है बीचों बीच फॉक को हल्का सा प्रेस करेंगे तो इसमें बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन यूनिक सी डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे झटपट से इसमें कितनी सुंदर सी डिज़ाइन बन चुकी है। इसको भी हम डीप फ्राई कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही सॉफ्ट है अंदर से, तो इसको हम हल्के हाथों से ही डीप फ्राई करेंगे। तो देखिए इसकी डिजाइन भी बहुत ही सुंदर आई है डीप फ्राई होने के बाद। तो चलिए अब हम लास्ट अपना बनाते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार शेप में कुकीज को कट कर रहे हैं। तो हम इसको डीप फ्राई कर लेंगे। तो हमारी स्टार वाली कुकीज भी डीप फ्राई हो चुकी है, तो इसको हम निकाल के अलग कर लेते हैं। तो हम क्या करें, एक बर्तन में हम इस कुकीज को डाल देंगे और एक चम्मच हम इसमें डालेंगे चीनी का पाउडर। और चीनी का पाउडर डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद क्या होगा फ्रेंड्स, जो चीनी का पाउडर है वो कुकीज़ के ऊपर अच्छे से लग जाएगा, तो ये मीठी तो लगेगी ऊपर से सुंदर भी बहुत लगने लगती है। तो देखिए ये देखने में बहुत ही सुंदर एंड डिलीशियस लग रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ एक हमारी जेली वाली बिस्किट, एक शुगर पाउडर वाली बिस्किट, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पांच तरह की एक ही डो से बिस्किट बना के रेडी की है। तो ये अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है, आप इसको बना के ट्राई कीजिए। और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिए और अपने एक्सपीरियंस हमें शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स। और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।